आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बताते चले कि सेना की सेंट्रल कमांड की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि कल केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दी थी। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के सामने आ रही है, जहां अग्निपथ योजना पर आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सेंट्रल कमांड की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अग्निपथ योजना से युवाओं को एक अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये योजना एक ऐसी है जो लोगों को रोजगार देने के साथ ही उनके प्रति, उनके अंदर देश के प्रति देश भावना की जो चीजें हैं उसको जागरूक करेगा। देश के युवाओं में देश के प्रति प्यार, सद्भावना और समर्पण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के जरिए जो देश के युवा हैं वो तकरीबन 4 साल के एक लंबे अंतराल के दौरान सेना में रहेंगे, सेना की प्रक्रिया को समझेंगे, जो हमारे सैनिक हैं उनके बलिदान को भी समझेंगे। वहीं आपको बताते चले कि कल केंद्र सरकार ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सेंट्रल कमांड की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस अग्निपथ योजना से युवाओं को देश के प्रति समर्पित होने का और जो हमारे सैनिक है किस तरह से वो बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करते हैं उसको भी जानने का एक बेहतर अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ ये उन भी युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में देश को बढ़ावा देने के लिए भी एक बेहद ही अच्छा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं में देश प्रेम को जागृत रखने के लिए, देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए और ये समझाने के लिए कि जब भी कोई संकट देश पे आता है तो सेना के जवान किस तरह से बॉर्डर पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं उसको भी सिखाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका सरकार द्वारा देश के युवाओं को दिया गया है। 4 साल के लंबे अंतराल के दौरान जो सभी युवा है, फिर चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, दोनों ही लोग ये सीखेंगे कि आखिर किस तरह से बॉर्डर पर तैनात होकर सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, निस्वार्थ भाव से किस तरह से सेना के जवान सभी त्योहारों में, फिर चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, किस तरह से भारत माँ के लिए समर्पित होकर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। वही आपको बताते चले कि इस योजना में जिन भी बच्चों का चयन होगा वो सभी योद्धा अग्निवीर कहलाएंगे। 4 साल के एक लंबे अंतराल के दौरान, एक लंबी समय के दौरान जो सभी युवा है वो ये सीखेंगे कि आखिर किस तरह से जो हमारे सैनिक है उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, किस तरह से वो बॉर्डर पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं। इसी कड़ी में आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज अग्निपथ योजना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की गई, तो क्या कुछ खास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिला? जी विभांशु, आपको बता दें कि कल जो दिल्ली के अंदर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अग्निपथ भर्ती योजना की शुभारंभ की गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जाए तो जो उसमें अभ्यर्थी होंगे, जो सेना के जो जवान होते हैं उनको अग्निवीर कह के बुलाएंगे। उसी क्रम में आपको बताएं कि आज लखनऊ के सूर्या कमांडेंट के अंदर में वी डिंगरा की तरफ से, जो कि एएसएम वीएसएम है इंडियन आर्मी के अंदर में, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे जो योजना है इस योजना स्कीम के बारे में पूरे विस्तृत तरीके से बताया गया। साथ ही साथ उनकी तरफ से सभी जो पहलू हैं सेना के और साथ ही साथ इससे क्या बदलाव आएगा उनकी तरफ से बताया गया कि 2030 में सेना का इससे क्या
बदलाव देखने को मिलेगा। तो पूरी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूरदर्शिता के साथ उन्होंने देखा और बताया, आपको बता दें मुस्कान की सेना की तरफ से आपको बताएं कि 4 साल के लिए जो 17.7 अगर देखें तो 17.5 साल के बच्चे हैं उन लोगों को सेना में नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि उन्हें 4 साल का ये पूरा ड्यूटी टाइम होगा और इन 4 सालों के अंदर में उन्हें हर एक डिसिप्लिन का जो एक जाना जाता है कि सेना वेल डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, एक कुशल व्यवहार के लिए जानी जाती है। उसी क्रम में वह साफ तौर पे युवाओं को भर कर और 4 साल के अंदर में उनको हर एक जो देखा जाता है सेना की गुणवत्ता होती है उसको उस 17 साल के ऊपर के बच्चों के अंदर भरा जाएगा और 4 सालों के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इस रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगभग 11 लाख रुपए मिलेंगे और इसके बाद जो छात्र अगर कोई 12वीं में है तो उनके पूरे परीक्षा का भी इंतजाम आर्मी करेगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि इन जो अपनी ड्यूटी टाइम को 4 साल पूरा कर लेते हैं, 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल की इनकी ड्यूटी होगी, उसके बाद ये अपने अनेक जगहों पे जाकर अपनी नियुक्ति ले सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि जब अग्निपथ मिशन की शुरुआत की जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इसका सराहना किया जाता है और साथ ही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पुलिस के अगर अभ्यर्थी होंगे ये ऐसे जो सेना से जवान जो 17.5 के एज के होंगे तो इन बच्चों को यूपी पुलिस के अंदर में वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ इसको देखते हुए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के अंदर में भी MP पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने भी वरीयता दी है। तो इसमें साफ तौर से अगर देखें तो इसमें हर एक पहलुओं के हिसाब से जो ये भर्तियाँ की जा रही इससे कहीं ना कहीं सेना के अंदर में जो नए लोगों की जो एक एज देखते हैं कि एज लिमिट तो वो अभी अगर बात करें तो तत्काल में 32 साल है। अगर ये अग्निवीर आएंगे तो जो सेना का औसत आयु होगा वो 24 साल हो जाएगा। वहीं आपको बताएं कि वीर डिंगरा की तरफ से कहा गया है कि 90 दिनों में हम भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे और नए साल पे हम नए अग्निवीर की पहली जो बटालियन होगी उसको लाएंगे। जी मुस्कान विभांशु, अगर लेकिन देखा जाए तो जो लड़के हैं वो तो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि उन्हें देशभक्ति के लिए एक अच्छा मौका दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस चीज को लेकर लड़कियों में कंफ्यूजन है कि क्या उनके भी भर्तियां की जाएंगी और अगर भर्तियां की जाएंगी तो उसका क्राइटेरिया क्या बनाया गया है कि आखिर किस क्राइटेरिया के तहत उनकी भर्ती की जाएगी। जी आपको बता दें कि ये भर्ती पूरी तरह से अगर देखें तो आदमी अपने अंदर में अपने तीनों जो फोर्सेस आर्म फोर्सेस हैं उसके अंदर में महिलाओं की नियुक्तियों को कुछ शुरू किया गया था। उसी क्रम में जो अग्निवीर हैं अभी महज पुरुषों के लिए ये होगा। साथ ही साथ इसमें बताया कि जो आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया कुछ पत्रकारों के द्वारा कि ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, तो जो वीर ढिंगरा है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इसके बारे में नहीं सोचा गया बल्कि अभी ये पहला राउंड होगा, आगे इसमें काफ़ी बदलाव करके और इसके तमाम पहलुओं को देखा जाएगा और जो भी चीज़ें इसमें अनुकूल नहीं लगी उसमें बदलाव लाया जाएगा और कुछ नए चीज़ों को भी लाया जाएगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो आगामी आगे की भर्तियां होती हैं उसमें महिला एवं जो थर्ड जेंडर उनको वरीयता दी जाती है नहीं दी जाती है। मगर सवाल ये खड़ा होता है एक और कि अगर कोई 6 महीने की ट्रेनिंग करके और इंडो नेपाल बॉर्डर हो या वो चाइना बॉर्डर हो या वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो वहाँ अगर तैनात होता है तो क्या 6 महीने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी आर्मी की तरफ से क्या वो उसे अनुकूल होगी कि वो बॉर्डर की रक्षा कर सकता है। वहीं आपको बताएं कि क्या इससे सेना की जो क्षमता है क्या उस पर असर आएगा। अब जो अग्निवीर होंगे उनकी नियुक्तियां होंगी तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनका उपयोग इंडियन आर्मी करती है। जी मुस्कान विभांशु, अगर देखा जाए तो इस योजना के तहत जो बच्चे हैं उनकी भर्तियां कब से शुरू होंगी, कौन सा महीना निर्धारित किया गया है या कौन सा साल कहे निर्धारित किया गया है जब उनकी भर्तियां होंगी। जी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो जो वीर डिंगरा की तरफ से बताया गया है ASM VSM की तरफ से कि इस साल के अंत में भर्तियां की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी और जनवरी के अंदर में जो नियुक्तियां होंगी वो होने लगेंगी। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका जो विशेष फोकस रहेगा वो मंडल स्तरों पे रहेगा। मंडल स्तरों पे
भर्तियां की जो तमाम जो आर्मी के जवान जाते हैं और उनकी तरफ से वहां भर्ती की पूरी प्रक्रिया होती है, तो मंडल के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि संख्या क्या होती है और उत्तर प्रदेश एक जो कि एक देश का सबसे बड़ा सूबा है तो यहाँ से कितने जवान आते हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए तो इन जो जब इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इनके 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे, उससे सेवा से खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों में जैसे कि आप देखती हैं कि आमतौर पे जो आर्मी के जवान होते हैं वो 15 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेकर अनेकों जगह पे जाके अपनी सेवा देते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में आप देख सकती हैं। वैसे ही ये बच्चे अगर 4 साल इंडियन आर्मी के परिवेश में रहेंगे तो उनके अंदर शिष्टाचार की भावना आएगी, साथ ही साथ वेल डिसिप्लिन जो आर्मी जिसके लिए जानी जाती है, तो वो जिन क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पूरे आर्मी का जो एक रुतबा होता है उसके साथ काम करेंगे। मगर अगर देखें तो क्या महज 6 साल की ट्रेनिंग से ये जो बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, जो 17.5 मतलब कि 17.5 से ऊपर के जो बच्चे होंगे, क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनका जो स्थिति होगा वो किस तरह का होगा, क्या वो किस योग्य काम आएंगे। वहीं अगर देखें तो जब 4 साल बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा तो उनकी मनोस्थिति क्या होगी, क्या उन्हें आगे जो पूर्ण रूप से देखें कि जो फुल टाइम आर्मी की ड्यूटी होती है, क्या उसमें भी उन्हें नियुक्ति कहीं मिलती है या उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है रिक्रूटमेंट के अंदर में, तो ये आने वाले समय में देखना होगा। जी मुस्कान जी, लेकिन विपांशों का देखा जाए तो अब इसको लेकर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि सरकार अपनी जो बेरोजगारी है, जो प्रदेश में बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी है, उसको छिपाने के लिए ये योजना अब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जी मुस्कान, आपको बता दें कि जब कोई भी फैसले लिए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, तो विपक्ष का ये शुरू से ही रोल रहा है कि वो उस पर कटाक्ष करे और उस पर कमियां निकाले। मगर अगर देखें तो लोकतंत्र के अंदर में ये बेहद अहम पहलू है और ये जरूरी है, क्योंकि अगर देखें तो एक तरफा चीजें ना चली, विपक्ष के भी बातों को सुनकर अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें हो तो सरकार उसको सुनकर उस पर अमल करे और उस पर भी काम करे। क्योंकि अगर देखें तो तमाम लोगों के खिलाफ आज द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये महज 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे परिपूरित हो पाएंगे बॉर्डर के अंदर में। वही दूसरा सवाल ये होगा कि जब उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी और उन्हें लगभग 11 लाख से ऊपर रुपए दिए जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें मासिक तौर पर 30,000 रुपए का उन्हें भत्ता दिया जाएगा, उन्हें सैलरी दी जाएगी, तो अगर वो 4 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, क्या वो इसके साथ साथ पढ़ाई का जो कार्य है, जैसे आप इंडियन आर्मी के अंदर में रहते रहते तमाम डिग्रियां ले सकते हैं तो क्या उनके लिए लागू होता है। तो ASM BSM के डिंगवा की तरफ से कहा गया कि ये सभी ऐसे ही रहेंगे, साथ ही साथ कैंटीन के सवाल पे कि क्या उन्हें कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी जब वो 4 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेते, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि कैंटीन की सुविधाएं फुल टाइम वालों को ही मिलेगी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 साल बाद जब वो छात्र निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें माइनस और प्लस आता है, मगर अगर बात करें तो कहीं जिस विभाग में वो जाएंगे आर्मी का जो व्यवहार है, आर्मी का जो आचरण है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये एक बेहतर कदम भी है, क्योंकि अगर देखें तो इससे साफ तौर पर युवाओं के अंदर में एक अलग देशभक्ति की जो भावना है वो जगेगी, और 17.5 यानी कि 17.5 साल का अगर बच्चा आर्मी में जाएगा तो वो बेहतर एक परिवेश में रहेगा, 4 साल देश की सेवा करेगा, उसके बाद बेहतर देश के निर्माण में वो योगदान दे सकता है। धन्यवाद दीपांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोंडा के ब्लॉक छपिया के अंतर्गत तेजपुर गायघाट से घनश्यामपुर रोड करोड़ों की लागत से बनाई गई थी, लेकिन अब वही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में एक्सीएन से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर सड़क निर्माण में कोई कमियां मिली
तो दोबारा ठेकेदार से सड़क बनवाई जाएगी। जबकि बीते कुछ दिन पहले ही भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में भ्रष्टाचार से बनी सड़कों की पोल खोल दी थी और सड़क को लेकर सांसद ने भ्रष्टाचार से बनी सड़क को आईना भी दिखाने का काम किया था, जिसके बावजूद अब एक बार फिर से गोंडा में करोड़ों की लागत से बनी जो सड़क है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो करोड़ों की लागत से आम जनता के लिए जो सड़क बनाई गई थी वो किस तरह से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी हुई नजर आ रही है। चाहते हैं कि ये सड़क अच्छा बने और कुछ दिन के लिए छुट्टी रहे, फिर बढ़िया बन जाएगा तो कुछ दिन के लिए चलेगा, और अभी ऐसा लोकल बना देते हैं। ये कैसे बना रहे हैं कि उजर जा रहा है? वही तो समझ में नहीं रहा कि कैसे काम हो रहा है यहाँ का, ठेकेदार कैसे हैं, कैसे क्या काम करवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। एक हफ्ता के अंदर पूरा उजड़ रहा है? हाँ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी बने और ये जगह जगह पर टूटने लगा है सड़क। ऐसे रहेगा तो फिर आगे चल के तो पूरा एकदम बेकार हो जाए बारिश में। गाय घाट रोड है, तेजपुर गाय घाट रोड। ये कैसा बन रहा है? ये बहुत खराब बन रहा है। क्या समस्या है इसमें? अभी एक हफ्ता पहले बने हुआ, यहाँ जगह जगह गड्ढे हो रहा है, दोबारा चक्ती लगा के रोक रहे हैं सड़क। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये सही बने। ये मनसुखपुर पिच रोड जो है वो 3 किलोमीटर लंबाई की है और इसकी लागत 1,71,21,000 की है, और मुझे लगता है अभी जो है पेंटिंग इस पे कार चल रहा था कुछ दिन पहले, जो है अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो कार प्रगत पर है। तो अगर कहीं पे कमी दृष्टिगोचर होती है या कमी पाई जाती है तो उसको, अभी क्योंकि काम चल रहा है तो उसको तुम तत्काल रिमूव करके दोबारा कराए। खबर बरेली से है, जहां केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री असीम अरुण और सांसद संतोष गंगवार ने जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार बिना भेदभाव किए हर तबके तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। जिसके बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रदेश में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि किसी को भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और ऐसे करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय मोदी जी के केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 8 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए हर कदम उठाया गया, इस संकल्प को दोहराने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं और दोनों के उपलक्ष्य में, और ख़ासकर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग को देखता हूँ, जिस विभाग को मैं सहायता या मदद विभाग के रूप में समझता हूँ, और समाज के अंतिम पायदान पर यानी अंत्योदय को पूर्ण करने की जिम्मेदारी इस विभाग की है। तो मेरा परम सौभाग्य है और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विजन के अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहराइच में 14 से 20 तक जून तक आयोजित होने वाले अमृत योग सप्ताह का विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और नानपारा के विधायक रामविलास वर्मा ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वह इस कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी मनोज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके सिंह समेत जनपद के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह बहराइच में अमृत योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई लोग योग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो सभी बीमारियां भी दूर रहेंगी, जिसको फॉलो करते हुए, जिसका पालन करते हुए बहराइच में योग शिविर का आयोजन 1 हफ्ते के लिए किया गया है। बहराइच की दरगाह पुलिस ठगों पर नकेल कसने में नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दरगाह मेले में हर रोज ठग जायरीनों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे, और आलम यह है कि ठगों की सूचना देने के बाद भी पुलिस समय से नहीं पहुंचती है। तो ये एक पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरह से बहराइच में शातिर ठगों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, वही ठगों पर नकेल कसने में भी पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और अब आलम यह है कि ठगों की सूचना देने के बाद भी पुलिस समय से मौके पर नहीं पहुंचते, जिससे ठगों के हौसले पूरी तरह से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा हुआ है, मैं पहले बोला था 100 का पर्ची खोलो, उसके बाद बूफर निकलेगा, कोई सामने वाला कह रहा था, तो हमने पर्ची खोला, उसके बाद में 1-5 का निकला पर्ची, 10 का निकला, तो बोला इसमें 600 जमा करो, उसके बाद में है
तीन पर्ची दिया जी। हम लोग इधर दरगाह घूमने आए थे, उसके बाद यहाँ जो दुकान लगी इन्होंने कहा 100 रुपया का लोन निकालो, फिर हम पर्ची खोलेंगे उसमें आपका जी नमा आएगा और मिलेगा। तो हमने खोला तो उसमें कुछ नहीं आया, 5-10 आया, तो उन्होंने फिर कहा कि 600 रुपया जमा करो, फिर इसमें जो आएगा मिलेगा। फिर हमने 600 जमा किया तो उसमें क्या आया क्या पता नहीं, पर्ची लिया उसने कहा 5,000 आया हाथ में और 6,000 जमा करो फिर 25,000 तुरंत ले लो। तो हमने 6,000 तुरंत फिर जमा किया, उसके बाद कुछ नहीं निकला उसमें। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना 5 युवकों को भारी पड़ गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बताते चले कि वृद्ध महिला के मौत के बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया था। ग्रामीणों के हंगामे की वजह से घंटों राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा था। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट के लिए अब रवाना भी कर दिया है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से 5 युवकों को राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करना भारी पड़ गया। वही इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पांचों युवकों को अपने कब्जे में लेकर कोर्ट के लिए भेज भी दिया है। खबर औरैया से है, जहां नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर डीसीएम ने खराब खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से हेल्पर ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक को डॉक्टरों ने अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ पर हुआ है? रतियापुर के पास। क्या लोग थे? अभी पता नहीं चल रहा, वैसे 2 लोग गाड़ी में बताए जा रहे हैं, एक हेल्पर एक ये साले साहब गाड़ी चला रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये भी अभी हमें क्लियर नहीं हुआ। 2 व्यक्ति लाए गए अवनीत दीक्षित एवं यासीन खान, ये सड़क दुर्घटना में कथित रूप से इनके मृत्यु हो गई और वो जिला चिकित्सालय में सुबह करीब 6 बजे लाए। बिजनौर के नूरपुर में एक युवक गेहूं के आटे की पिसाई कराकर घर वापस लौट रहा था, उसी दौरान रफ्तार का कहर देखने को मिला। वही ट्रक ने साइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। संबल बहजोई कोतवाली क्षेत्र के संबल बहजोई रोड पर गांव बेहटा जयसिंह के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से मौके पर मौजूद लोगों ने सिपाही समर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि थाना हयात नगर क्षेत्र के गाँव अख्तियारपुर का रहने वाला सिपाही समर सिंह बरेली जनपद में ट्रैफिक पुलिस के पद पर तैनात था और सिपाही घर पर 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था, जबकि पूरे हादसे के बाद मृतक सिपाही के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान लोनी बॉर्डर क्षेत्र में नहर रोड पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पुलिस ने गौ तस्कर शहजाद को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही गौ तस्कर है जिसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एक शातिर बदमाश शहजाद, जिसका नाम है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो कि एक बहुत ही शातिर किस्म का गौकश है और इसके ऊपर कई मुकदमे गौकशी के एवं अन्य अपराधों के पंजीकृत हैं। इसके साथ थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के उपरांत ये बदमाश घायल हुआ है। बाकी इसमें और भी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसके विरुद्ध और कौन से अपराध हैं और इसके कौन अन्य साथी, इसका एक साथी राजू जो कि इसके साथ था वो फरार हो गया है और इसमें जानकारी की जा रही है और कौन कौन इसके साथी हैं और किस किस तरह से ये सब चीज़ें करता है। अलीगढ़ के अकराबाद थाना इलाके के गांव हैदर नगर में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूर की झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद झोपड़ी में रखा मजदूर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वह इसके बाद मजदूर मदद की गुहार लगाने अकराबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया, जबकि गरीब मजदूर का कहना है कि अब उसके पास एक वक्त का खाना भी नहीं बचा है। हालांकि घटना की सूचना पर राजस्व विभाग से लेखपाल मौके पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित को मदद करने की बात भी कही है।
मुझे बच्चे बुलाने गए थे, एक मेरे भाई के यहाँ प्रोग्राम है, उसके यहाँ जा रहा था, तो वहाँ से रास्ते में से आया हूँ, जब देखा आग लग रही है। झोंपड़ी में रहता हूँ, झोंपड़ी में जो भी है बर्तन कपड़े लत्ते सारे सब जल चुके हैं। अच्छा, आपने इस संबंध में किसी राजस्व विभाग के अधिकारी को बताया? हाँ, लेखपाल साहब के लिए सूचित किया था, फ़ोन किया था, तो लेखपाल साहब आए हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि जो भी बनेगा और लिख के ले गए चले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।